अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। माजरत जी, मैं काफ़ी बिजी हो गया था बीच में, जिस वजह से कोई वीडियोस नहीं आ रही थी, आप लोगों से प्रॉपर बात नहीं हो रही थी। तो खैर, अब आपका भाई फ्री हो गया है, अब इंशाल्लाह डेली बेसिक पे हमारी वीडियोस आएंगी और मैं आप लोगों के साथ चीज़ें सारी शेयर करूँगा। तो खैर, इस गायब होने के टाइम के बीच में आपके भाई ने काफ़ी गाड़ियों की परचेजिंग की, काफ़ी ली, काफ़ी दी भी, लेकिन मैं बता नहीं सका। अब काफ़ी गाड़ियां हैं जो कि रेडी होने वाली हैं, तो इंशाल्लाह आपको उन पे भी अपडेट दूंगा। आज की वीडियो का मकसद क्या है? आज की वीडियो का मकसद ये है कि वो कौन सी मेन चीज़ें हैं जो हम किसी भी गाड़ी को उठाने से पहले, बिड करने से पहले हमें मेक श्योर करनी चाहिए। तो आज मैं आपको वो सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा और वीडियो आपने एंड तक देखनी है ताकि सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर हो सकें। भाई के साथ रहें, चलते हैं फिर। अच्छा, तो अभी हम हैं एक ऑक्शन हाउस में। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आपने कोई गाड़ी ख़रीदनी है तो सबसे पहले कौन सी चीज़ें हैं जिनको आपने मेक श्योर करना है कि वो चीज़ें आपको समझ आती हैं, उसके बाद किसी गाड़ी पर बिड करनी। एक तो डिफरेंट ऑक्शन हाउसेज हैं, आप उनके ग्रुप्स ज्वाइन कर लें, वहाँ पे गाड़ियाँ आ रही होंगी, जो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग गाड़ी होगी उस गाड़ी को सिलेक्ट करें, जाके उस गाड़ी को फिज़िकली विज़िट करें। और लेट से आपने अभी एक गाड़ी सेलेक्ट की थी, हमने, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, और मैं अभी आ गया हूँ वो गाड़ी देखने, तो मैं सबसे पहले उस गाड़ी को किस तरह से देखूँगा। फिर से मुझे ये अल्टिमा पसंद थी, हमने ये अल्टिमा ख़रीदनी थी, हम इधर आए, हमने देखा यार गाड़ी का एक्सपेंस ये है, गाड़ी का फेंडर है, बोनट है, फ्रंट बम्पर है, हेडलाइट है, सारा मतलब गाड़ी को आपने एग्जामिन कर लेना है कि गाड़ी पे टोटल एक्सपेंस कितना आ रहा है। वो आपको किस तरह पता चलेगा, या तो आपको गाड़ियों की काफ़ी क्लीन नॉलेज हो, अगर नॉलेज नहीं है तो आपके पास कोई आपका गैराज वाला होना चाहिए जो आपको बता सके। लेट से ये गाड़ी हमने देख ली, हमें गाड़ी सारी समझ आ गई, हमें पता चल गया कि इस पर 5000 एक्सपेंस है, लेट्स अज्यूम करते हैं हम ये, ठीक है। अब आप इसको किस तरह से करेंगे, आप देखेंगे कि यार इनकी जो गाड़ी की प्राइस है वो 24000 से स्टार्ट हो रही है। लेट से आप कहते हैं कि भाई अगर 27 की गाड़ी है, मुझे यहाँ से मिल जाती है और 5000 एक्सपेंस है और गाड़ी टोटल रेडी होके मुझे 32 की पड़ती है। जब आपने एक अपना बजट बना लिया कि एक्सपेंस इतना है और गाड़ी मैक्सिमम इस बिड की लिमिट तक जाएगी तो मैं इस गाड़ी को पिकअप करूँगा और गाड़ी पे एक्सपेंस डालने के बाद गाड़ी टोटल कॉस्ट मुझे 32000 की करेगी। फिर ये सारी चीज़ें करने से पहले भी जो आपने चीज़ मेक श्योर करनी है, वो मेक श्योर ये करना है कि इस गाड़ी की मार्केट प्राइस क्या है। लेट से 32 को आपको गाड़ी कॉस्ट कर रही है रेडी होने के बाद, और मार्केट में अगर 35 की सेल हो रही है तो ये इट्स नॉट अ गुड डील, इसमें आपको प्रॉफिटेबिलिटी नहीं हो सकती। हाँ, अगर ये गाड़ी 40 की सेल हो रही है और आपके पास छोटी गाड़ी है ना, इनमें प्रॉफिटेबिलिटी का रेशो कम होता है, और आपके पास 8000 का मार्जिन है, तब आप सोच सकते हैं कि यार ये गाड़ी ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 2000-2500 मुझे प्रॉफिटेबिलिटी देके जाएगी। तो ये चीज़ें आपने मेक श्योर करनी होती हैं। सेकंड चीज़ आपने क्या देखनी होती है कि आप जब भी किसी गाड़ी को देखते हैं तो यहाँ पे मोस्टली लोग करते क्या हैं कि गाड़ी जब यूएसए से आती है वो बहुत बुरी हालत में होती है, ये क्या करते हैं, उन गाड़ियों को इन्हेंस करते हैं, मतलब गाड़ी पीछे से फुल बेड़ा गर्क हुआ होता है और ये उसको बम्पर लगा के, लाइट छोटी सी लगा के गाड़ी को ऐसे कर देते हैं कि क्लाइंट देखता है कि वाह यार ये तो बड़ी साफ गाड़ी है, लेकिन बेचारा जब बाद में लेके जाता है तो फंस जाता है। तो इन चीज़ों को आप लोगों ने फोकस करना है, वो फोकस किस तरह से होगा, वो इस तरह से होगा, मैं आपको एक छोटी सी और एग्जांपल देता हूँ। ये गाड़ी का चेसिस नंबर लिखा होता है यहाँ पे, तो आप जब इस चेसिस नंबर को गूगल के ऊपर डाल के सर्च करेंगे तो ये गाड़ी जब यूएसए में बिकी थी तो वो सारी हिस्ट्री आ जाती है कि गाड़ी का ये एक्सपेंस था, ये मसला था, इंजन ख़राब था, इंजन डेड है, प्राइमरी डैमेज क्या है, सेकेंडरी डैमेज क्या है, इधर ये क्या शो कर रहे हैं, तो आपको काफ़ी इन चीज़ों की नॉलेज हो जाएगी। तो खैर, ये सारी चीज़ों को आप लोगों ने मेक श्योर करना है, इसके बाद आप लोगों ने कोई गाड़ी खरीदनी है। ये बिजनेस बहुत अच्छा है, हर चीज़ बहुत अच्छी है, लेकिन आप लोग लॉस तब खाते हैं जब आप लोग जज्बात में आके फजूल ऐसी ऑप्शन को अवेल कर लेते हैं जो कि प्रॉफिटेबिलिटी भी नहीं बनती, अपना टाइम भी आप उस पर एक लगा लेते हैं। तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए थोड़ी सी एहतियात रखा करें। और खैर, इसके अलावा मोस्टली लोग पूछ रहे होते हैं कि भाई आपके साथ मिल के बिजनेस किस तरह से कर सकते हैं। मेरे साथ बिजनेस मिल के आप इस तरह से कर सकते हैं, अगर तो आपके पास इन्वेस्टमेंट अच्छी है, मिनिमम 2 लाख दिरहम और इससे प्लस और अबव है, और आपको एक प्रॉपर बिजनेस प्लान चाहिए, तो उसमें हम क्या करेंगे, हम आपको एक बिजनेस प्लान देंगे अगर आपकी इतनी इन्वेस्टमेंट है। उसमें बिजनेस प्लान में क्या होगा, हमारी टीम आपके लिए यूएसए से गाड़ियां बाय करेगी, हमारी टीम उसको शिप करवाएगी, टो करवाएगी, हमारी कंपनी ही उसको क्लियरेंस करवाएगी, और क्लियरेंस करने के बाद वो गाड़ियाँ कहाँ पर सेल होंगी, वो एज इट इज़ एक्सीडेंटल कंडीशन में ही सेल आउट होंगी, उसके लिए हम आपको अपना ऑप्शन भी प्रोवाइड करेंगे।
मतलब आपको एक प्रॉपर बिजनेस प्लान मिल गया, बाइंग हो रही है, टोइंग हो रही है, शिपिंग हो रही है, क्लियरेंस हो रही है और ऑक्शन हाउस में आके वो गाड़ियाँ सेल आउट हो रही है। तो खैर ये सारी चीज़ें हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे। और इस प्रॉपर बिजनेस प्लान में अगर आप पूछें कि क्या हमारी प्रॉफिटेबिलिटी की रेशियो क्या होगी, आपका और हमारा मार्जिन क्या होगा, वो हम डिपेंड करेंगे अकॉर्डिंग टू योर इन्वेस्टमेंट। आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, आप बल्क में करना चाह रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अपनी फिजिबिलिटी बनाएंगे। क्योंकि सबसे मेन चीज़ क्या होती है, बाइंग होती है, बाइंग के बाद सेलिंग। जब हम सारी चीज़ें हम आपकी देख रहे हैं, आपकी जस्ट इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्वमेंट होती है, मोस्टली हम 50-50 करते हैं, लेकिन स्टिल इट डिपेंड्स ऑन योर लाइक इन्वेस्टमेंट। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो हम इस परसेंटेज पे वर्कआउट भी कर सकते हैं। इसके अलावा लेट से आप यूएई में हैं या किसी भी जीसीसी कंट्री में हैं या आप यूरोप में कहीं हैं, अफ्रीका में कहीं हैं, आपको कोई भी गाड़ी चाहिए तो हम आप लोगों को आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग गाड़ियां देख के रेडी करवा के आपके कंट्री में भेज सकते हैं। लेट से आप यूएई हैं लेकिन आप लोगों के पास टाइम नहीं है और आप लोगों को पता है मैंने गाड़ी ये लेनी है, तो आप लोग क्या करेंगे, हमें अप्रोच करेंगे, मेरी टीम जाएगी, वो गाड़ी देखेगी, गाड़ी जो अच्छी ऑप्शन होगी आपको बताएगी कि सर ये गाड़ी आपको इतने की कॉस्ट करेगी, आप गो एड देंगे, वो उस गाड़ी को परचेज करके हमारे गराज में पहुँचा देंगे, गराज में गाड़ी रेडी होगी, आरटीएस अप्रूवल होगी, आप आएँ अपनी गाड़ी ले जाएँ। तो मतलब हम कंप्लीट सर्विस हर तरह से प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो खैर साथ साथ मैं आप लोगों को चीज़ें गाइड भी करता रहूँगा कि यार किन चीज़ों से अवॉइड करना है और किन चीज़ों को देखना है। जैसे कि अभी ये सारी गाड़ियाँ हैं, इनका आपको प्रॉपर अपनी ऑब्जर्वेशन करनी होती है। ज़रूरी नहीं होता कि ऑक्शन की हर एक गाड़ी पे आप प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट करें। उसकी गाड़ियाँ ऐसी होती हैं जो एंड यूज़र के लिए होती हैं। एंड यूज़र से मतलब ये है जिसने लेके गाड़ी रेडी करवा के यूज़ करनी है, उसने गाड़ी को सेल आउट नहीं करना। तो अब ऑक्शन का ये मतलब मत समझा करें कि ऑक्शन से कोई भी गाड़ी खरीदेंगे तो आपको प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट करके जाएगी, ऐसा नहीं होता। ये आप जब वर्किंग करेंगे कि एक्सपेंस कितना है, बिड कितने की होगी, सेलिंग कितने की हो रही है, मुझे गाड़ी कॉस्ट कितने की करेगी, तब आपको इन चीज़ों का आइडिया क्लियर होगा। कि जो गाड़ियाँ होती हैं टोटली डैमेज, जिनका चेसी जो है वो फुल टाइम कहते हैं कि बढ़ गया भाई, इन पे क्या होता है, अब ये 2020 मस्टैंग है और लेकिन इसका चेसिस टोटल डैमेज है, इसमें क्या होगा, ये गाड़ी आप सस्ती भी उठा लेंगे, आप इस गाड़ी को जब रेडी करवाएंगे तो आरटीएस अप्रूव नहीं होगी कि चेसिस रिपेयर है। वो सीसीएम की रिपोर्ट होती है, वो लेज़र के साथ देखते हैं कि चेसिस में बेंड तो नहीं है, ये तो नहीं है। वो करवाने के बाद भी आपकी जो पासिंग होती है, पासिंग पे ये आ जाता है कि इसका चेसिस का सीसीएम हुआ हुआ है। जब उसको आप सेल आउट करते हैं तो वो प्रॉब्लम होती है। चेसिस का फ्रंट जो एलुमिनियम का फ्रेम है, अगर वो डैमेज है कोई मसला नहीं है, वो इतना बड़ा नहीं है, लेकिन जहाँ पे प्रॉपर फ्रेम आपका डैमेज हो जाता है सारा, जब पासिंग पे आ रहा होता है ये सारी चीज़ें कि यार इसका ये हुआ है या वो हुआ है, मतलब वो एक अच्छी डील नहीं समझ आती। और कहने का मतलब ये था कि जिन गाड़ियों का बहुत हद से ज़्यादा चेसिस डैमेज होता है, आप कोशिश किया करें कि उन गाड़ियों पे ना जाएं, ठीक है। दूसरा, कोई भी चीज़ लेने से पहले प्रॉपर अपनी वर्किंग करें, मार्केट पे देखें, एक्सपेंस पे देखें, टाइम ड्यूरेशन पे देखें। क्योंकि एक गाड़ी को आपने 5000 अर्न करना है लेकिन आपको 2 महीने उस पे वेट करना पड़ता है, तो वो एक गुड डील नहीं है। इवन कि आप जब गाड़ी सेल आउट कर रहे होते हैं, आपको जो भी अच्छी डील मिलती है गाड़ी को सेल कर दो यार, गो विद द फ्लो, बाय अनदर वन, मे बी यू कैन गेट मोर प्रॉफिटेबिलिटी ऑन दैट कार, इंस्टेड ऑफ जस्ट होल्डिंग योर कार लाइक कि मैंने इस पे 5000 ही कमाना है तो मैंने सेल करना है। तो ये चीज़ छोड़ के आप थोड़ा इस फ्लो में आएँ कि यार हमने रोलिंग करनी है, एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा, सारी चीज़ें होंगी। तो खैर आज की वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मैं आप भाइयों को सारा कुछ बताता रहूं। बाकी इंशाल्लाह कनेक्ट में रहेंगे, कोई बिजनेस से रिलेटेड कोई भी चीज़ है, आपको इन्वेस्टमेंट मैंने बताया, हाँ आपकी इन्वेस्टमेंट लेट से 2 लाख से कम है, आपके पास बजट है, आप हमें अप्रोच करेंगे तो हम आपको आपके बजट के अंदर ऑप्शंस प्रोवाइड करेंगे। लाइक आपका जो बजट होगा उसके अंदर आपको बताएंगे कि यार ये ऑप्शंस हैं, ये अच्छी हैं, आप हम आपको एक जब ऑप्शन देंगे आप मार्केट पे सर्च करें, आपको समझ आ रही है तो गो विद दैट ऑप्शन। मतलब कि हम हर तरह से बिजनेस भी प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी दे रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। खैर आज का व्लॉग अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी कर दें भाई के चैनल को। तो फिर होती है मुलाकात, खुदा हाफ़िज़।